नाजीवाद के खिलाफ एकजुट भारत और रूस हो गया है। भारत ने यूएन में रूस के प्रस्ताव का समर्थन किया है। भारत ने साफ कहा नस्लवादी सोच दुनिया के लिए बेहद घातक है। तो भारत ने यूएन में रूस के प्रस्ताव का समर्थन किया। चलिए अब आपको ये बताते हैं बिग वॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए, कि रूस का प्रस्ताव क्या था और भारत ने जो समर्थन किया है वो क्या किया है। और भारत पहले दिन से रुख साफ रखे हुए है इस पूरे मामले पर। हालांकि ये जो नस्लवाद को लेकर भारत का रुख है वो कड़ा है, वो स्ट्रांग है, और ये कहा गया है ये एक तरह से जो जख्म है वो सालता है। नाजीवादी सोच को ख़त्म करना ही मकसद है, और इसी वजह से रूस ने प्रस्ताव क्या रखा था, आइए जल्दी से आपको ये बता देते हैं इंफॉर्मेशन वॉल के ज़रिए कि रूस की तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव रखा गया था और भारत और रूस कैसे साथ आ गए, क्योंकि भारत ने इस बात का समर्थन किया है। तो आपको बताते हैं कि रूस की तरफ से जो प्रस्ताव था, दरअसल रूस ने प्रस्ताव दुनिया में बढ़ रही नाजीवादी सोच के खिलाफ लाया है यूएन में। आइए डिटेल्स में समझते हैं कि प्रस्ताव क्या है। नाजीवादी के महिमा मंडन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लेकर ये रूस आया है, और आपको बिग पॉइंट्स बता रहे हैं। भारत ने नाजीवाद के खिलाफ इस प्रस्ताव पर रूस का समर्थन किया है, भारत का साफ तौर पर कहना है, जिसमें 105 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। खास बात यह है कि रूस का समर्थन 105 देशों इस प्रस्ताव का समर्थन 105 देशों की तरफ से किया गया है। प्रस्ताव दुनिया में बढ़ रही नस्लवादी सोच को रोकने के लिए हो रहा है, और रूस ने यह तर्क दिया यूएन में कि किसी भी देश में नस्लवादी सोच नहीं थोपी जानी चाहिए, और इसी बात का समर्थन भारत की तरफ से किया गया। भारत ने स्टैंड क्या लिया, भारत का रुख क्या था, और बहुत ही बल के आधार पर ही भारत अपना स्टैंड रखता है। किसी भी देश में नस्लवादी सोच नहीं थोपी जानी चाहिए, यह भारत का स्टैंड है।